आज हम बना रहे हैं ब्रेड का एकदम नया नाश्ता। इसको बनाने के लिए हमने 10 ब्रेड ली हैं छोटे साइज़ की। उसके हम चारों तरफ से किनारे इसके काट देंगे, पतले पतले से किनारे हमें काटना है और इसको बीच में से हम निशान लगाएंगे और इसके चार टुकड़े करेंगे। बस चार टुकड़े से ज़्यादा हमें टुकड़े नहीं करने हैं। इस प्रकार हम सभी ब्रेड के बराबर से टुकड़े कर लेंगे और हम नॉन स्टिक पैन में थोड़ा सा तेल लगाएंगे, मीडियम आंच पे हमने गरम रखा है, और उसके ऊपर ब्रेड की स्लाइस से हम जमा देंगे। मीडियम आंच पर भी हमको पकाना है, ये जले नहीं। इस एक तरफ से 2 मिनट में बंद के तैयार हो जाएगी। इसको हम पलट देंगे वापस दूसरी तरफ से। दोनों तरफ से हमें ब्रेड की स्लाइस सेकनी है जिससे हमारे ब्रेड कड़क हो जाए। धीरे धीरे उसको लौटते पलटते रहेंगे, नहीं तो ब्रेड जल जाएगी। इस प्रकार हम साइड ब्रेड बना कर हम तैयार कर लेंगे। अब हम इसमें डालने के लिए हमें चाहिए, हमने लिया है पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर। इनको हमने बारीक बारीक काट रखा है। अब हम एक फ्राई पैन में तेल रखेंगे, 2 बड़ी चम्मच तेल रखा है। उसमें डालेंगे हम जीरा, जीरे के साथ हम उसमें जो भी हमने सब्जियाँ काट रखी है वो हम डालेंगे और इसको 1-2 सेकंड के लिए हम हिलाएंगे। दो मिनट बाद हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्ची, प्याज और टमाटर हमें डाल देने हैं। ये बहुत ही अच्छा नाश्ता है दोस्तों। मेरी अंतिम तक आप वीडियो ज़रूर देखिएगा। अब हम इसको चलाएंगे धीरे धीरे, हल्का सा हमें पकाना है, बिल्कुल ज़्यादा हमें नहीं पकाना है। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस हमने डाला है, और 2 चम्मच हम डालेंगे सोया सॉस। मुझे सोया सॉस पसंद है इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा डाला है यहाँ पे, आप 2 चम्मच ही डालें। उसके बाद हम डालेंगे सेजवान चटनी 2 चम्मच स्वाद के लिए। अगर आपके पास सेजवान चटनी नहीं हो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। और इसके बाद हम डालेंगे इसमें मसाला, हमने डाला है यहाँ पे रेड चिली पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च हमने यहाँ पे डाली है, और 1/2 चम्मच हम नमक डालेंगे। नमक आप कम ही डालें क्योंकि सभी सॉस में नमक होता है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटो केचप 2 चम्मच हमने टेबलस्पून 2 चम्मच डाला है, और हम डालेंगे 3-4 हरी मिर्ची जो हमने काट रखी है वो हम इसमें डालेंगे, और लास्ट में हम डालेंगे यहाँ पे 1/2 चम्मच नींबू का रस हम निचोड़ देंगे, और इसको 2 मिनट के लिए हम खाली पकाएंगे। उसके बाद हम डालेंगे इसमें जो भी हमने ब्रेड के टुकड़े सेक रखे थे उनको हम डालेंगे और अच्छे से हिलाएंगे। यहाँ पे ज़्यादा इनको गलाना नहीं है, बस 1-2 मिनट में हम इसको हल्का सा डुबो देंगे, वापस से हम निकाल लेंगे। ये हमारा देखिए, ये हमारा ब्रेड मंचूरियन बन के तैयार है। मेरी रेसिपी को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।